अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जार खोलने का ये लेंगे मुझको, हाँ मिलता हमारे एरिया में वो मिलने का रहता है। ऊटी कहीं से ये काड़ियाँ ढूंढते थे ना, हमें ऊटी में मिलता चॉपस्टिक्स। आलू कट कर को लगा को तल लें। 69 वो 149 क्या वास्ते हैंगिंग का वो ले लेंगे काड़े नको, हमारे बेंगलुरु में मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ पर स्टॉप करी थी वही से शुरुआत करूँगी। ऊटी का ब्लॉग है ये पार्ट 3। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं देखेंगे। तो ये सब सब्जी ले जाकर होटल में रख डालेंगे। आप पूछ रहे थे ना यहाँ पर खाना बना के खा सकते हैं, बिल्कुल अगर आपका दिल चाहे तो ज़रूर से बना कर भी खा सकती। किचन आपको होटल रूम्स में नहीं है, सेपरेट से किचन है, तो वहीं पर मैं बना रही थी। तो यहाँ पर स्टाफ्स हैं, साहब भी हैं, तो हमें भी, तो मैं सोची कि मैं आई तो ज़रूर से मैं 2 दिन बाहर खाना बनाऊंगी। बोल को सब कुछ लेके आई यहाँ पर। देखिए अगर आप बाहर का नहीं खा रही तो होटल का खाना होना तो भी देती, ऐसे कोई टेंशन नहीं। मेरी यूट्यूब फैमिली अगर आप जाना है तो ज़रूर से विज़िट करो, बहुत अच्छी होटल है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी सब्ज़ी मिलती है ऊटी में, एकदम फ्रेश, क्योंकि यहाँ पर एकदम ठंडा क्लाइमेट है ना, क्योंकि बारिश और यहाँ पर मौसम ठंडा कूल रहता है। यहाँ फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्रिज को भी रखते नहीं। बोल को बोल रहे थे पहली बार रेडीमेड रेडीमेड कभी नहीं। अब क्या करना है, बूटी में थोड़ी मैं बना लेकर बैठूँ। पीसो पुप्पू पीस में तैयार हूँ मैं, बट मेरे पास टाइम है तो पीस लियो। जो जी पकड़ो मैं, 5 रुपए से एक पैकेट है। 5 रुपए से पकड़ रहे खुरमा भी शेरवा खिलाती हूँ। क्या खिला रही? चिकन शेरवा खुरमा। आइयो चिकन खाइए खुश। सब कुछ है, लेकिन मेरे स्टाइल में ये चिकन भी है, कुकर है, हर चीज़ है। फ्रेश फ्रेश पूरा। तो सारी सब्जी सेट करने के बाद यहाँ पर मैं ही बना रही हूँ चिकन कुरमा। बिरयानी का आइडिया था लेकिन बिरयानी का आइडिया को कैंसिल कर को, तो यहाँ पर मैं कुरमा ही बना दूँगी। और वाइट खुशका तो अदरक लहसुन, क्योंकि अल्लाह का करम है कि थोड़ा फ्रेश था ये। यहाँ पर देखिए काला काला रहता है, शायद वहाँ के क्लाइमेट को बहुत अच्छा फ्रेशनेस था। बहुत खुशी हुई मुझे, जैसे घर के जैसे ही लग रहा था। बीन्स कट हो रहा है, यहाँ भुट्टा खा रही। फिर भी ऐसा सब कुछ रखती हैं जैसा घर में रखती हैं, ऐसा काला रोना माशाल्लाह। हर चीज़ की सहूलत है, आए तो पका को दिखेगा हमारी फैमिली से। वो नाना चाहती सब जने आ सकती, तो मैं भी आई हूँ खाना बना रही हूँ। चिकन ला दो नहीं रहे तो नींबू से काम कर लिया जाता है। ऑलरेडी टमाटर भी डाली हूँ, यहाँ देखो यहाँ देखो। पप्पू क्या बनाए? मटन ग्रेवी। मटन आइए सॉरी चिकन ग्रेवी, घर में मटन बना हमला कुछ नहीं। पप्पू क्या बनाए? चिकन ग्रेवी। बिरयानी कैंसिल कर दिली, उसमें स्टॉक कौन थी, चिकन बिरयानी नहीं खाते रहते। ऊटी में वो भी ऊटी में ठंड में ठंड में
गरम गरम कैसे लग रहा है मोमो? सुपर। देंगी कट करके मिर्ची सही को टेस्टी बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा पतला बनाई शेरवा क्योंकि चावल के साथ खाते हैं। कैसा लग रहा है मोमो? अच्छा लग रहा। यहाँ पर कुर्मा बनने के बाद और खुशका भी बन गया था तो यहाँ पर एकदम फ्रेश थे बीन्स, तो सोची कि रखने के बाद ये नरम हो जाती। तो यहाँ पर देखिए खुशका बन गया, तो रोटी के साथ बीन्स का चाकना भी ले लेती, ये भी पका के दे देंगे बोल को। सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा सूखा कच्चा खोपरा, नमक, हल्दी डाल के बना दूँगी। बहुत टेस्टी रहता है। थोड़ा सा उबाल लेना बघारने से पहले। ज़रूर से यहाँ भी मिलती हैं ऐसे बीन्स बेंगलुरु में, ज़रूर से इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी रहती हैं। तो अच्छा लगता है सब बाहर कभी कभार खाना बनाने। बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर कितना जल्दी बन गए और खाना भी बन गया, खुरमा भी बन गया, तो यहाँ पर बीन्स का चाकना भी बन गया। तो टाइम के हिसाब से मैं खाना बना डाली, अच्छी बात है ना। मार्केट जाको, सब कुछ लाको, मसाले वगैरह चिकन लाको, धो को सहूलत कर लेना गए जगह। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ रहता है, एडजस्ट करके बना लेना। तो 2 बजे तक मैं सारा खाना बना डाली, अभी लंच टाइम भी हो जाएगा। तो सब मिल के यहाँ पर, साहब भाई भी आ गए तो उनको भी डाल के दे दूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बना। जो कुछ भी वहाँ पर मसाले थे उन्हीं मसालों से बनाई हूँ, बहुत अच्छा बना। तो गर्मा गर्म दे देंगे, ऐसे ठंड के मौसम को इस तरह से गर्मा गर्म खाना मिल गया ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए चिकन ग्रेवी, ये भी बहुत टेस्टी बना था। जो कुछ भी मसाले थे साहब भाई को ही बोल रही थी मैं, साहब भाई बहुत अच्छा बनाए चावल बोल के। ये दूसरे चावल लाए, ऊपर इस दाल माँ बोल रही तो ऊपर इस दाल ला लेंगे। कैसा है? और यहाँ पर जो कुछ भी स्टाफ रहते हैं उनको भी डाल के दे दूँगी बाद में, साथ में मैं और मोमो भी खा लेंगे। अच्छा लगता है ना इस तरह से खाना, वो भी ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाना। आहा आ गया ना मुँह में पानी। तो ऊटी में घर के जैसा खाना और गर्म चाय मिल गई ना तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब को अच्छी नींद भी आती है और सुकून से रहने भी दिल चाहता है। तो मैं खाना खाने के बाद एक गर्म चाय मिल गई ना तो सेम मेरे घर के जैसा ही माहौल बन जाएगा। चॉकलेट बहुत फेमस है तो आंटी के पास भी आपको विजिट कर लियो। गोल्डन वीडियो चॉकलेट इला इप அது போட்டுறேங்க யூடியூப்ல ஆர்டர் பண்ணுறது, இங்கே எங்கே தான் ஆர்டர் வந்துருச்சு, அம்பி கொஞ்சம் தான் வருது. खाना खाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गए थे, ये बाजू में होटल के बाजू में बेकरी है तो ये आंटी से मैं बात कर रही थी, इनके पास क्या क्या है बोल को देख रही थी। अभी मैं केक दे रही थी आंटी खाओ बोल के, तो इन्हों ओन बेकिंग करते हैं सो इन्हों ओन वही बता के केक दे रहे थे, इन्हों तमिल में बात करते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट, मैं और मोमो दोनों, तो देखते हैं यहाँ पर ऑटो आते हैं या नहीं। तो मैं सोच रही थी अभी खाना खा के आई हूँ, थोड़ी सी दूर है तो वॉक कर लेके जाएंगे और यहाँ का माहौल, यहाँ का क्लाइमेट के बारे में बात करते करते मार्केट पहुँच ही जाते हैं और देखेंगे क्या क्या है। चूड़ी 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 ज़रा थोड़ा बहुत देखेंगे, खाना खाए अब सोए तो फिर टाइम वेस्ट होता हमारा इसकी वजह से। तो होटल से कम एक 20 क्लाजियन का रास्ता, उतना ज़्यादा क्या अभी दूर नहीं था। स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे और चॉकलेट कैसा यहाँ का क्या क्या है चॉकलेट में वैरायटी वैरायटी वो देखेंगे और जंतर लेंगे बोल के जा रहे हैं। और क्या क्या है, बहुत दिनों के बहुत सालों के बाद आए तो वो सब देखने की खुशी कुछ और रहती है। तो यहाँ पर जंतर देख रहे थे, ऑलरेडी हमारे घर में 3 बॉटलान थे तो ये सब नक्को और को
बोल रहे थे। पेनी चो लेता किताब 99 रखो छोड़ लंच ले ले। ये भी पेनी चे नहीं फैन वो से थोड़ा सा सामने है तो यहाँ पर मेगा मार्ट है, बहुत बड़ा है, इतनी वैरायटी है कि मैं देखती रह गई, मैं तो खुश हो गई कि ऊटी में मेगा मार्ट इतना बड़ा है क्या। बोल को बोलवा गोलू को उठा दल को इसे बुला ले काजेंगे इसे इसे बुला लेंगे मिकी माउस 599 इसे बुला लेंगे गोलू पे दल को ये कितना अच्छा है बकरा बकरा डोरेमोन कितना ये इसके ऊपर ये शावर कैप। ऊटी में भी अच्छा शॉपिंग कर सकती ये लेता 99। और यहाँ पर मेकअप की चीज़ें भी बहुत अच्छे थे, हर एक चीज़ एक ही सेक्शन में मिल जाता है। मैं वही देख रही थी, ये सब कुछ था हमारे पास जब भी हम बर्मा बाज़ार या कहीं भी जाते हैं या मॉल जाते हैं, बहुत कुछ ले लिए थे। तो आपके लिए यहाँ पर क्या क्या मिलता है बोलकर यहाँ पर एक वीडियो बना रही थी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते थे, कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते थे। जब भी आप ऊटी आ रहे हैं तो मैं सोच रही थी मेरी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से हेल्पफुल हो जाए, ताकि शॉपिंग करने कहाँ जाना बोल को आप ढूंढना नहीं और परेशान नहीं होना बोल को ये वीडियो बनाई हूँ। लिपस्टिक के कितने शेड्स हैं देखो, और वैरायटी वैरायटी है। मेकअप करने वाले को बहुत अच्छा मार्केटिंग है और काम ही ढूंढना नहीं पड़ता, हर एक शेड मिल जाता है। तुम्हें क्या देख रही इंसान? मैं तो देख रही हूँ बैंगल्स, देख रही थी चुपके से। ये लिप ग्लॉस देखो कितना प्यारा है। जब हमें बोलती शॉपिंग को गए जब ले लोगे तो सुनते नहीं, घर को आको वीडियो में देखो ये होना था वो होना था, तो क्या घर बैठे मिल जाता है। फूफू जोक सपाट, सीरियसली बात करो। चलो ठीक है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली है कि शॉपिंग कैसा लगा ऊटी की। बेंगलुरु की तो मैं बहुत बार दिखाई हूँ, ये फर्स्ट बार ऊटी का शॉपिंग मॉल दिखा रही हूँ, तो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइए। क्या पूरा है हंस नहीं ले रहा मैं क्या भी। क्या कर रहे हैं? चाय बनाने का ये। वाव। प्लेट में ले लेना तो। ओ ऐसा कितना ये देखे इसका प्लेट नहीं है ये तो बस नहीं है देखो रोकन के तो भाई ये कुकिंग का नहीं है सभी ऐसे लेने का रखे तो प्लेट भी रहता आराम से पानी भी डाल कर रख सकते हैं वो बड़ी होगी हमारे यहाँ ये डाल उसका प्राइस है 529 बेंगलोर को ले लगे तो पता है क्या नहीं रहता पैकिंग भी ऐसा छा इसका बॉक्स है इसका बॉक्स है बेंगलोर ले आने यहाँ लेकिन ऊपर में भी कवर में डाल के देंगे आपको इधर में भी ये बॉक्स तो इधर में डाल के देंगे इसमें तो ऊपर में भी कवर में कर सकते हैं इसमें करने के लिए ये सर्विंग करने का है ये सर्विंग के लिए मोमो ये देख रहे क्या बोले बोबो मिल्क ये देखो
फाड़ गिर जाएगा वो। इसके ऊपर क्या रखने का बोले? ये हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू। डाइनिंग टेबल पर भी रखेंगे? हाँ, उस पर रखना। इसका प्राइस क्या है देखिए? इसका, उसका आपको 349। ये दो का, ये क्या की प्राइस नहीं है। ये बोल चुन गरम का कहीं टेबल पर नहीं है। ये 49, ये 99। कितने पैसा? एक किच इसमें कितने पैसा है? सब भी एक एक ही बैच प्राइस। ये सभी वो किवी के अंदर का खाने का। ये रिंग नल खोलने का, अरे बॉटल जार खोलने का। ये लेंगे नको? हाँ, मिलता हमारे एरिया में वो मिलने का रहता है। ओटी कहीं से ये काड़ियाँ ढूंढते थे ना हमें, ऊटी में मिलता। चॉपस्टिक्स, आलू कट कर को लगा को तल लें। 69। वो 149। क्या वास्ते? हैंगिंग का वो ले लेंगे कड़े नको, मेरे बेंगलुरु में मिलता। तो बेंगलुरु में ऊटी नहीं मिलती है? अच्छा, आओ जी, हाँ रखो जी। ये देखो चॉप स्टिक अमेरिकन है ना, 99। बेंगलुरु में मिलता है वो, अच्छा बोल रहा हूँ। अभी नहीं, स्टिकर ना वे वो, ये स्टिकर की शायद जो फर्स्ट हमें चॉकलेट दिखे वहाँ पर खाना खाने को, हमें जब भी नीचे उतरे थे तो आते आते मोमो को क्या छुआ कि एक रकम से सिर फिर रहा है और सिर में दर्द पकड़ लिया था। ये बच्चा है, यहाँ को क्या बात कर रहा है कि उसे माला मोरा नहीं। फिर भी मैं बोली चले जाएंगे, बोल को नक्को यहाँ का वीडियो बनेंगे, बोल को रुकी। एक एक बार है ना, एक एक जने को खाना खाने के बाद मीठा पसंद आता नहीं, और चॉकलेट बिल्कुल मत खाइए क्योंकि साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहती। तो एक एक जने को मीठा खा का आदत रही तो परवाह नहीं खा खा इसमें क्या होता, पेट में कला लगा जाता है और बहुत जल्दी सिर में दर्द पकड़ता है, वॉमिटा जैसा होता है। ये देखो टुवाल आंगे कपड़े में घर पहुँचने का बनाई। थैंक यू। शॉपिंग पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए, रोज़ रोज़ नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। बेल को ज़रूर से ऑल करिए और अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मोमो हमारा नेक्स्ट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए। नेक्स्ट पार्ट में पूरे टूरिस्ट प्लेसेस ऊटी में, कुन्नूर में सब कुछ दिखाएंगे। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी और दुआ में ज़रूर से याद रखिए। तो ये कमिंग सून वीडियो है, बिना भूले ज़रूर से नेक्स्ट ब्लॉग देखिए और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ पर हैं बोल को ज़रूर से मैं आपको दिखाऊँगी। जब आप विजिट करेंगे ऊटी को आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं ये वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।